hello dear students welcome back to my channel this is computer concepts today in this uh, video i am going to discuss about sample practical paper uh, as you know that your practical examination are going to begin very shortly external examiners have been appointed have been deputed uh, your school might have fixed up the date with external examiner so, uh, it is uh, about to begin from say 10th January to 31st uh, January. It is to be finished by the external examiners as per the guidelines of CBSC. So, here is a sample paper. Uh, first sample paper I am giving. Although there are so many sample papers given on my channel, seven, eight, about 10 uh, sample pa practical papers have been uh, given. दे बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और आज में आपके लिए ये एक सैम्पल पेपर एज पर द मार्किंग स्कीम ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सेशन और इसमें पाइथन का एक सेगमेंट है और एक सेगमेंट है एस क्यूएल का पाइथन एट मार्क्स का और एस क्यू एल आपका सेवन मार्क्स का यहाँ देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया गया है एज़ पर द

as well as four to five program from matplotlib or 15 sql queries must be included and this practical file ka jo weightage that is 5 marks project work similarly uh, based on the concept uh, of class 11th and 12th whatever content you have studied on that basis you have to prepare a project work of 5 marks csb based uh, project should be there in uh, i mean uh, uh, informatics practices because uh, you have mostly analyzed uh, the data aapne data analytics kiya hai uh, series par aur data frame par aur fir use visualize kiya hai through uh, matplotlib library तो इसलिए इसमें project में ये सारी चीज़ें use करते हुए आ, आपको एक project बनाना है और मिनिमम वन पार्टनर एंड मैक्सिमम थ्री प्रोजेक्ट पार्टनर टू और थ्री आर अलाउड सो इट इज ऑफ बेट इज फाइव मार्क्स देन वॉइस इज ऑफ फाइव मार्क्स टोटल एट प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव थर्टी मार्क्स का वेट है तो मैंने जो पेपर सेटल किया है आपका फ्रेम किया है ये है पेपर आपके सामने यू कैन जस्ट सी इट इसका व्यू मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ये देखें तो यहाँ पर मैंने एक डाटा फ्रेम दिया है इसके इंडेक्स डाटा फ्रेम का नाम परचेज डीएफ रखा है पीडीएफ लेकर के आप काम कर सकेंगे हमेशा परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ शॉप राइट पाइथन कोड टू तो क्रिएट द फॉलोइंग डाटा फ्रेम नेम्ड पीडीएफ पीडीएफ पी, पी वो पीडीएफ नहीं आपका पीडीएफ फाइल पी फॉर परचेज डी फॉर डाटा फ्रेम स्टोरिंग द फॉलोइंग डिटेल्स

तो ऐसे केस में ज़्यादातर हम लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करके डाटा फ्रेम बनाते हैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर आ, क्या नाम पाइथन में और पाइथन में जा करके आप यहाँ पर एक स्क्रिप्ट मोड में न्यू फाइल खोल लीजिए यहाँ पर आप कोडिंग करेंगे मैंने यहाँ पहले से ही एक न्यू फाइल खोली हुई क्लॉथ डॉट पाई से सेविंग किया हुआ और बिगिनिंग की लाइन मैंने लिख दी आपके लिए नाउ वी विल इंपोर्ट सिंस वी हैव टू ड्रॉ द लाइन चार्ट और आई मीन बार चार्ट आल्सो इन दिस क्वेश्चन सो मैं मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट भी यहाँ पर एस पी एल टी इम्पोर्ट कर लूँगा देर आफ्टर आप एक डिक्शनरी बना लेंगे डिक्शनरी कैसे बनाएंगे यहाँ से देखिए कोड में ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता हूँ मैं क्वेश्चन पेपर में आ के यहाँ से डाटा आपको मिल जाएगा सी इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ सो यस दिस इज द डाटा यहाँ से आप ये डाटा पिक करेंगे सो लेट अस क्रिएट डिक्शनरी क्लियर डिक्शनरी में ये कॉलम नेम आपको की रखना है रिमेंबर इनवर्टेड कॉमर्स क्लोथ नेम कॉलन आप यहाँ पर वैल्यूज़ uh, को आपको सीरियल में कर देना क्लोथ नेम में सारे क्लोथ लिख दीजिए फ्रॉक कॉमा ट्राउजर ट्राउजर कॉमा साइज सॉरी ये हो जाएगा शर्ट टी शर्ट टी शर्ट कॉमा जीन्स आर द नेम ऑफ द क्लोथ्स यू नो एंड लास्ट वन इज जैकेट इस तरह से एक की वैल्यू पेयर हो गए वैल्यू यहाँ डिक्शनरी के फॉर्म में है एज यू नो कीज़ शुड बी यूनिक मैंने एंटर प्रेस करके मैं इधर आ गया नेक्स्ट लाइन पर देन यू कैन गो फॉर साइज आपने साइज ले लिया कॉलम लगाया फिर साइज़ आपने लिया क्या ज़ीरो साइज से शुरू होता है ज़ीरो सेकेंड कॉलम का डिटेल आप दे रहे देन एल देर आफ्टर एम मीडियम साइज देन एक्सेल है आपका देर आफ्टर अगेन एल फिर आपका आ जाता है एक्सेल दिस लिस्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन अदर की इज टोटल या स्पेलिंग का ध्यान रहे जैसे मैंने स्पेलिंग क्वेश्चन पेपर में दी है उसी तरह से कॉलम हेडिंग की स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए फिफ्टीन ट्वेंटी कॉमा ट्वेंटी थर्टी कॉमा

पैंडज लाइब्रेरी को हमने रेफ़र किया है पी डी लगा करके और डाटा फ्रेम ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया डी सी टी यहाँ पास किया डाटा फ्रेम फंक्शन को और यहाँ इंडेक्स भी आप बना दीजिए इंडेक्स की एक लिस्ट ले लीजिए इंडेक्स वन जीरो वन कॉमा वन जीरो टू वन जीरो थ्री वन ज़ीरो फोर वन ज़ीरो फाइव जीरो सिक्स दे रहा सिक्स रोज सो सिक्स वैल्यूज इन द इंडक्स गिवेन इस तरह से आप जब करेंगे प्रिंट पी डी एफ आपका डाटा फ्रेम हो गया रेडी सेव किया रन करा दिया इन वैलिड सिनटैक्स कहीं पर बता रहे यहाँ डबल कामा हो गया इसे आप एक काम हटा दीजिए सेव कर दीजिए फिर से रन करा दीजिए योर डेटा फ्रेम इज रेडी ओके इट इज इम्पोर्टिंग द लाइब्रेरी सो टेकिंग लिटल a little time is being taken otherwise your data frame is displayed आप देख सकते हैं आपका डाटा फ्रेम बिल्कुल उसी तरह से आया है जिस तरह से मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ है अब आपका आंसर नंबर वन शुरू हो जाता है ये तो आपका इतना टू मार्क्स का हो गया ठीक है नाउ मैं यहाँ पर एक हैश लगा करके इसका जो पार्ट वन है यहाँ पर ये इसको मैं मेंशन कर देता हूँ पार्ट वन के नाम से सॉरी ये यहाँ पर आ जाइए आंसर आंसर वन लिख दीजिए या पार्ट वन लिख दीजिए पार्ट वन पार्ट वन में आपसे क्या पूछ रहा है इसे मिनिमाइज कीजिए uh, uh, है ऐड इन न्यू कॉलम नेम्ड क्वांटिटी परचेज एज क्वांटिटी परचेस्ड एज टू 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 वन टू टू ठीक है क्यू टी वाई पर अंडरस्कोर में आपको डालना है क्यू टी वाई पर सो आई विल राइट कैसे लिखेंगे आप पी डी एफ डाटा फ्रेम का नाम है ऑफ टी वाई अंडर स्कोर पी आर परची ये हो गया ऐसे आपको कॉलम स्पेसिफाई करना है देन टू कॉमा टू कॉमा टू कॉमा वन कॉमा टू कॉमा टू सिक्स वैल्यूज फॉर सिक्स रूस गिवेन

अब हम चले जाएंगे यहीं पर लिख देंगे हैश लगा करके हैश लगा करके आई विल राइट पार्ट टू पार्ट टू में क्या है डिस्प्ले क्लोथ नेम टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी परचेज अब ये तीन कॉलम आपको डिस्प्ले कराना है तीन कॉलम डिस्प्ले कराने के लिए आप क्या कोड लिखेंगे आई विल राइट प्रिंट स्क्रिप्ट मोड में प्रिंट लिखना ज़रूरी है ठीक है यू आर नॉट वर्किंग इन आई मोड ठीक है आप स्क्रिप्ट मोड में है तो प्रिंट फंक्शन से ही आपका uh, कोई भी क्वेरी प्रिंट होगी सो डिस्प्ले क्लोथ नेम क्लोथ नेम के लिए आप पीडीएफ ऑफ पीडीएफ ऑफ अगर आपको कई कॉलम प्रिंट करने हैं तो उसे आप लिस्ट के फॉर्म में दे दो यहाँ पर आई हैव गिवन क्लोथ नेम लाइक दिस क्लोथ नेम कॉमा देर आफ्टर टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट अंडर स्कोर कॉस्ट का सी कैपिटल राइटिंग द कॉलम नेम्स इट शुड बी रिटर्न विद इन सिंगल कोट और द स्पेलिंग शुड मैच या देखिये क्लोथ नेम एंड टोटल कॉस्ट इट शुड मैच So, last one is quantity purchase. Quantity purchase के लिए आप QTY पर नाम का कॉलम आपने ऐड किया है तो यू राइट ठीक है ये एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट ब्रेकेट क्लोज सो दैट्स इट ये कमांड भी लिख सकते हैं साथ साथ अभी आपको मैं और बताऊंगा अभी सर तीसरा देखिए ये वाला अभी मैंने लेटेस्ट क्लोथ नेम टोटल कॉस्ट एंड क्वान्टिटी परचेज आउट ऑफ दिस डेटा फ्रेम यू हैव डिस्प्लेड दिज थ्री कॉलम्स विद इंडक्स राइट तो ये आपका आंसर हो गया अगर आप आ, इसको अदरवाइज दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और एल ओ सी का यूज करके भी आप इसे कर सकते हैं हेयर यू राइट पी डी एफ डॉट एल ओ सी डॉट एल ओ सी और यहाँ पर आप लिख देंगे कॉलन कॉमा कॉलन मीन्स ऑल रूज एंड दीज मैनी कॉलम सो कॉलम की लिस्ट दे दी जाएगी ठीक है तो अभी आप देखना कि जो रिजल्ट ये ये दे रहा है ये कमेंट दे रही है सेम रिजल्ट एक और इसी तरह का आपका आंसर आ जाएगा मैंने सेव किया और रन कराया सेव एंड रन सो यू विल सी लास्ट टू यू कैन सी ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट मैंने दो कमांड लिखी हैं फॉर द सेम पर्पस एंड यू कैन सी दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट इज सिमिलर सो आइदर इन पार्ट टू यू कैन राइट दिस कमांड और यू कैन राइट दिस कमांड बोथ ओके मैं इसको दोनों कमांड यहाँ पर छोड़ देता हूँ यहाँ पर मैं एक हैश लगा करके और लिख देता हूँ राइट देन वी विल गो फॉर सॉल्विंग पार्ट थ्री पार्ट थ्री क्या कहता है वॉट इज द क्वेश्चन लेट एस सी इन द क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर में तीसरा है रीनेम कॉस्ट अंडर ईच एज प्राइस ये आपका जो टोटल कॉस्ट है ये कॉस्ट ईच नहीं यहाँ पर लिखिए टी ओ टी ए एल टोटल कॉस्ट को आप कर दीजिए कॉलम का नाम प्राइस ओके okay? तो मैं यहाँ पर जाता हूं अपने कोड विंडो में यहां पर मैं रीनेम फंक्शन का यूज करूंगा पी डी एफ डॉट रीनेम ब्रेकेट आ जाएगा यहां पर कॉलम्स इज इक्वल टू करली ब्रेकेट में किसका बदलना है आपको टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट को सो सिंगल कोट में लिखिए इसे डिक्शनरी के फॉर्म में देना है रिमेंबर रीनेमिंग करने के लिए और कॉलम्स पैरामीटर देना है सो टोटल कॉस्ट शुड बी नेम्ड एज प्राइस और अगर आपको दूसरा भी पेयर कोई चेंज करना है साइज को कुछ बदलना है क्लोथ नेम शुड बी चेंज एज नेम तो यहाँ आप क्लोथ नेम कॉलम नेम कर सकते हैं ऐसे की पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आप सारे कॉलम जो भी चाहे चेंज कर सकते हैं अभी मैं डिक्शनरी यहाँ क्लोज कर देता हूँ रीनेम फंक्शन बिकॉज

जस्ट वेरीफाइंग इट बाई प्रिंटिंग द डाटा फ्रेम पी डी एफ सेव किया रन किया लेटर्स कॉलम नेम हैी यहाँ पर इसका जो नाम है प्राइस हो गया इस कॉलम का नाम अदरवाइज इट वॉज टोटल कॉस्ट इन द बिगनिंग फाइन सो दिंग इज हैिंग नो इशूज विदाउट एनी इशू थर्ड पार्ट इज ऑल्सो सॉल्ड अब बात आती है आपकी चौथा पार्ट है जो ये ग्राफ प्लॉटिंग का है बेटा। प्लॉट अ बार ग्राफ बिटवीन क्लोथ नेम एंड प्राइस विद अप्रोप्रिएट ग्राफ टाइटल एक्सिस टाइटल्स ग्रेट लाइंस एंड आल्सो सेव द ग्राफ इन अ फाइल ये इतनी चीज़ें करनी है इस पर आपको थ्री मार्क्स दिए जाते हैं ये सभी एक एक नंबर के थे दो नंबर का आपका डाटा फ्रेम क्रिएशन हो गया था ठीक है टोटल एट मार्क्स हो रहे हैं थ्री टू फाइव एंड थ्री टू फाइव थ्री एट एट हो जाता है तो आइए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बहुत इजी है ग्राफ प्लॉट करना आपने किया भी होगा पहले सो फॉर पार्ट फोर्थ इसी तरह से आप ये कर देंगे पार्ट नंबर फोर सबसे पहले आप ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हो मैट प्लॉट ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट कर दिया गया है यहाँ देखिए सेकंड लाइन ये इम्पोर्टेड है अब आप प्लॉटिंग के लिए क्या करेंगे आप चाहें तो डाटा फ्रेम से सीधे उस कॉलम की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे मैं एक्स में क्या रखूंगा बेटा पी डॉट क्लोथ नेम क्लोथ नेम एक कॉलम है उस क्लोथ नेम को यहाँ निकाल लो सो आई हैव टेकन आउट क्लोथ नेम तो ये एक लिस्ट या सीरीज़ आपके एक्स में आ गई सिमिलरली वाई एक्सिस पर आप क्या शो करते हैं वाई एक्सिस पर आपको शो करना है प्राइस सो आई विल बी राइटिंग पी डी एफ डॉट लेटेस्ट कॉलम मेरा प्राइस है इसलिए मैं प्राइस लिखूँगा फाइन आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है बार ग्राफ बनाना है सी बार ग्राफ वॉट इज द फंक्शन पी एल टी डॉट बार सिंपली एक्स कॉमो वाई लिख दीजिए एक्स और वाई के बीच में प्लॉटिंग हो जाएगी इसके बाद आप सिंपल मोस्ट ग्राफ बना रहे हैं पी एल टी डॉट टी आई टी एल ई टाइटल आप यूज कर लीजिए फॉर द फॉर चेंजिंग ग्राफ टाइटल एक सिंपल सा कोई टाइटल लिख देते हैं हम लोग क्या नाम क्लोथ वर्सेस प्राइस एक्स एक्सिस पर आपका क्लोथ नेम आ जाएगा और इसका आप साइज़ और कलर यहाँ से बदल सकते हैं साइज़ मैंने थोड़ा इसका कर दिया फोर्टीन कर दिया ठीक है कलर इक्वल टू आर कर दिया आर फॉर रेड तो ये हो गया आफ्टर दैट हम लोग पी एल टी डॉट एक्स लेबल ले लेंगे एक्स एक्सिस का टाइटल भी कह रहा है चेंज करो एक्स लेबल में मैंने डाल दिया क्लोथ नेम क्योंकि एक्स लेवल पर आप क्लोथ नेम शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर यहाँ ऐसी हेडिंग डाल दी एंड कॉमा साइज डालना है कलर डालना है यू कैन पुट अदरवाइज यू कैन लीव आई हैव रिटन कलर इज इक्वल टू बी बी फॉर ब्लू जस्ट देन पी एल टी डॉट वाई लेवल वाई एक्सिस का टाइटल वाई लेबल फंक्शन करेगा यहाँ पर मैंने डाला प्राइस डैश डैश ये कर दिया इन्वर्टेड कॉम आप क्लोज एक्स और वाई एक्सिस का दोनों का कलर मैंने रखा बी, बी फॉर ब्लू ब्रैकेट क्लोज कहता है ग्रेड लाइन भी डालना है चलिए भाई ग्रेड लाइन भी डाल देता हूँ पी एल टी डॉट ये हो गया ग्रेड लाइन डाल गया कहता है इसे सेव भी करो पी एल टी डॉट सेव फंक्शन आपने इन्वर्टेड कॉमा पिक वन डॉट पी के फॉर्म में ये सेव कर डॉट शो राइट सेव इट एंड रन इट ट्राई टू सी ये तो आपके ग्राफ आ गए और ये आपका ग्राफ दिख रहा है सारा ओके

कंट्रोल सी अच्छा ये भी आपको वेरीफाई करना है पिक वन डॉट पी आपकी सेव हुई कि नहीं मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं ये आ, कर रहा था प्रोग्राम आपका ये यहाँ पर सेव हो चुकी होगी द फोल्डर वाज आई थिंक प्रैक्टिकल फाइल नो 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 प्रैक्टिकल पेपर इसमें देखिए ये पिक वन नाम का आ, की फाइल यहाँ पर बन चुकी है पिक वन ओके okay, हमने सेव पिक फंक्शन दिया था उससे ये सेव हो चुकी है तो व्हाट यू हैव टू डू इज सम्स इफ यू वांट टू प्रिंट इट ऑन प्रिंटर दिस कोड हैज टू बी प्रिंटेड ऑन प्रिंटर तो आपने क्या करना है इसको एक वर्ड फाइल खोल करके उसके अंदर क्या कर देना है पेस्ट कर देना है इस कोड को आई हैव जस्ट यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देना रोल नंबर से रोल नंबर इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आई है आई है अब कोड पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है इसे थोड़ा सा गैप में आ रहा है इट इज़ टेकिंग नंबर ऑफ़ पेजेस टू नंबर ऑफ़ पेज यहाँ नो स्पेसिंग कर देंगे कोड आपका प्रॉपर हो गया सी दिस कोड कैन बी प्रिंटेड अदरवाइज अगर एग्जामिनर कहता है कि आप भाई आउटपुट भी इसका दिखाइए तो मैं क्या करूँगा इस कोड को रन करा के आई हैव एक्सिक्यूटेड इट ये एक्सिक्यूट कर लिया अब जो भी मेरा आउटपुट आता है वो मैं क्रॉप करके भी लगा सकता हूँ एज वेल एज में क्या नाम प्रिंट भी कर सकता हूँ हमारे पास वो इमेज फाइल है इमेज फाइल को डायरेक्ट यहाँ प्लेस किया जा सकता है ये ग्राफ को और ये आपका फर्स्ट का आउटपुट है सेकंड का आउटपुट है इसको आप लगा दीजिए वहाँ पर और क्या करना है कॉपी पेस्ट से भी करना चाहें तो कॉपी पेस्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है कंट्रोल सी लेटस सी कॉपी पेस्ट से आप कैसे दिखता है ये ये कॉपी पेस्ट से दिख रहा है हमारा आउटपुट दिस इज़ द आउट Here you can put the heading. आउटपुट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको ये हो गया आउटपुट इसको आप मेक इट लिटिल बोल्ड इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट ब्लैक एंड वाइट सो इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए बाकी ये आपके आउटपुट आगे आप चाहे तो इसे क्रॉप करके आउटपुट लगा सकते हैं यहाँ पर आपको मान लीजिए कि वो पिक्चर जो आपने सेव करी थी उसे इंसर्ट करना है तो यू कैन गो फॉर इंसर्टिंग द पिक्चर या तो क्रॉप करके लगा दीजिए या पिक्चर को इंसर्ट करके लगा दीजिए दोनों चल जाएगा तो मैं सपोज कीजिए कि इसे क्रॉप करके लगाना चाह रहा हूँ और सॉरी इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया द पिक्चर इज इंसर्टेड ओवर हेयर सी इसको आप थोड़ा छोटा साइज कर दीजिए अगर इसको प्रिंट करने के लिए एग्जामिनर कहता है आपको कि आप इसे प्रिंट करके लगाइए देन ओनली अदरवाइज इफ एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू जस्ट कॉपी द कोड एंड इन द आंसर शीट दैट्स इट सो इट डिफर्स एग्जामिनर टू एग्जामिनर वर्ड टू एग्जामिनर बस जनरली एग्जामिनर्स क्या करते हैं बेटा कोड प्रिंट कराते हैं तो वी कैन जस्ट प्रिंट द कोड आउटपुट दे कैन जस्ट फाइंड आउट देंसेल्स इस इस फाइल को भी ऐसा भी करके आप प्रिंट कर सकते हैं या जो आपका ये आउटपुट यहाँ पर आ रहा था इसको रन कराने के बाद आपका जो आउटपुट आ रहा था इसे स्क्रीन पर ये ब्लू वाला आउटपुट आप, आप चाहें तो इसकी क्रॉपिंग करके भी प्रिंट कर सकते हैं क्रॉपिंग करना आपको आता होगा ठीक है तो ये ब्लू कलर का ही वहाँ पर दिखेगा जैसे आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में किया तो ये आपका इस तरह से ये पाइथन का जो सेगमेंट है मैंने आपको बिल्कुल करके दिखा दिया और आफ्टर दिस व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट अब मैंने इसी में एक क्वेश्चन दे दिया क्या है कि इसे आप मेन्यू ड्रेवन भी हैंडल कर सकते यानी कि एक मेन्यू बना लो उसमें ये ऑप्शन वन टू थ्री फोर और फिफ्थ ऑप्शन को एग्जिट बना दीजिए वन पर क्लिक करें तो कॉलम ऐड हो जाए टू पर क्लिक करें तो ये डिस्प्ले हो जाए थ्री पर क्लिक करें तो हमसे वो टोटल कॉस्ट में क्या प्राइस किस नाम से आप चेंज करना चाहते हैं वो यूजर डिफाइंड कर दो यूजर इनपुट लेकर के कर दो और फोर्थ में ये ग्राफ प्लॉट हो जाना चाहिए फिफ्थ में एग्जिट हो जाए तो मेन्यू ट्रिवेंट भी इसे किया जा सकता है जैसे आपने प्रोजेक्ट में किया होगा अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट द टेबल इन माई एस एंड एंटर ऑल द रिकॉर्ड्स टेक द नेम ऑफ फर्स्ट कॉलम एज है कहता है कि यही वाली टेबुलर फॉर्म में टेबल माई स्केल में क्रिएट कर दो और इस वाले जो कॉलम का जो इंडेक्स है यहाँ पर क्लोथ आई नाम का कॉलम डाल दो और उसके बाद फिर ये कुछ क्वेरीज हैं इनका जवाब देना है आपको नाउ राइट द क्वेरी कमेंट्स इन स्केल फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन आउटपुट शुड ऑल्सो बी गिवेन फॉर सेलेक्ट कमेंट और सेलेक्ट कमेंट का हमें आउटपुट देना है क्रॉप कर करके और इसका जो है बाकी जो नॉन सेलेक्ट कमेंट्स हैं उनको लिखना है केवल इससे ज्यादातर एग्जामिनर्स आंसर शीट में लिखवाते हैं बेटा ठीक है सारी कमांड आंसर शीट में जैसे राइट कमांड टेबल क्रिएशन है इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड इसकी कमांड लिख दो डिस्प्ले अब ये डिस्प्ले करने का तो इसमें सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल होगा तो सेलेक्ट कमांड लिख करके उसके बाद उसका आउटपुट क्या आएगा वो भी आप दिखा सकते हैं आप आउटपुट शुड ऑल्सो बी गिवन फॉर सेलेक्ट कमांड्स तो सेलेक्ट कमांड जहाँ जहाँ लगाओगे ये सेलेक्ट कमांड देने पर आउटपुट क्या आएगा वो भी देना है आपको वो टेबुलर फॉर्म में ड्रा कर दो अपनी आंसर शीट में क्योंकि आंसर शीट तो नहीं तो प्लेन रह जाएगी आंसर शीट में भी लिखना है तो आंसर शीट में जनरली ये होता है कि की एग्जामिनर उसमें आंसर शीट में लिखवा लेते हैं और सेलेक्ट कमांड है तो सेलेक्ट कमांड कई बार लिखवाते हैं कई एग्जामिनर ओनली सेलेक्ट कमांड लिखवा लेते हैं और कई एग्जामिनर सेलेक्ट कमांड प्लस उसका आउटपुट भी वहां पर ड्रा करा लेते हैं ठीक है तो जहां जहां डिस्प्ले है ये सेलेक्ट कमांड है ये भी सेलेक्ट कमांड है यहाँ पर ये यह अपडेट कमांड है ये भी सेलेक्ट कमांड है तो सेलेक्ट कमांड लिख करके सारे उसके आउटपुट ड्रॉ करने अब आपको ये अपने कंप्यूटर पर टेबल बना करके रिकॉर्ड इंसर्ट करके ये सारी कमांड वेरीफाई करनी है आंसर शीट आई लेट यू नो हाउ टू कॉपी दीज कम इन योर आंसर शीट एंड हाउ टू क्रिएट द टेबल एंड ऑल ठीक है ना अब मैं क्या करूंगा कि मैं जाता हूँ एस लोड करता हूँ सिस्टम में अपने पासवर्ड डाल करके ठीक है यहाँ पर एक डाटा फ्रेम बना दीजिए फटाफट डाटा फ्रेम नहीं डाटा बेस सॉरी सो क्रिएट सम डेटा बेस डाटा बेस मैंने बना दिया सपोज़ कीजिए शॉप ये मेरा डाटा बेस बन गया अब इसे मैं ओपन कर लूँगा डाटा बेस को यूज शॉप ठीक है आफ्टर दिस अब मुझे टेबल क्रिएट करनी है टेबल क्रिएट करने के लिए बेटा मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और उसके कॉलम्स देखने पड़ेंगे मुझे कि टेबल में हमें जो कॉलम्स हैं वो क्या क्या चाहिए सही कॉलम हमें ये चाहिए ठीक है जिसमें पहला कॉलम क्लोथ आईडी है

इंटीजर से वो कंप्लीट रेंज ले लेगा इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ फटाफट प्राइमरी की कॉमा देर आफ्टर क्लोथ नेम क्लोथ नेम मैंने ले लिया क्लोथ नेम हमारा वेयर केयर होगा आपको पता होगा वेयर केयर मैंने इसका साइज मैक्सिमम आई हैव केप्ट है इट इज अप टू यू लेकिन जो मेरा यहाँ पर क्लोथ के नाम दिख रहे हैं ये पंद्रह कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है सो क्लोथ नेम हो गया फिफ्टीन देन साइज यहाँ पर कैपिटल uh, और स्मॉल कैसे भी लिख सकते हो इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव सो साइज मेरा देखिए ज़्यादातर चार कैरेक्टर लॉन्ग है मैंने यहाँ पर कैर फोर लिख दिया वेर कैर भी आप लिख सकते हो कैर फोर एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट कॉलम इज नेक्स्ट कॉलम इज टोटल अंडर स्कोर कॉस्ट सो इट इज टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट टी ओ टी एल टोटल अंडर स्कोर कास्ट इसको मैं रख देता हूँ डबल और फ्लोट और क्योंकि ये अमाउंट है तो मैक्सिमम फोर फिगर का मेरे पास अमाउंट तो दिख रहा है यहाँ पर वन टू थ्री फोर पॉइंट जीरो जीरो भी मैं ला देता हूँ इसमें आई हैव है टू दैट इज सिक्स कामा टू मीन्स फोर डिजिट पॉइंट टू डिजिट और इस तरह से मैंने इसका ब्रैकेट किया क्लोज सेमी कॉलर ये मेरा टेबल हो गया क्रिएट क्वेरी ओके आ गए इसका मतलब टेबल क्रिएट हो गया अब इसमें आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे इंसर्ट इन टू और ये जो कुछ भी आप कमांड लिख रहे हो सब अपनी आंसर शीट में लिखते चले जाओ क्रिएट टेबल भी वहाँ लिखनी देखो यहाँ पर ना इसमें क्रिएट टेबल तो मैं तो कहता हूँ क्रिएट डाटा बेस यूज उसके बाद फिर क्रिएट टेबल पूरा लिख लीजिए अपनी आंसर शीट में लेट इट बी रिटर्न कम्प्लीटली ना इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आई विल इंसर्ट द रिकॉर्ड यहाँ से मैं वन जीरो करूँगा इंसर्ट इन टेबल का नाम है मेरा क्लोथ देन इन्वर्टेड यहाँ पर मेरा पहला है क्लोथ हो गया एंड क्लोथ नेम इज आई विल राइट फ्रॉक सो आप इसे केस सेंसिटिव लिखना चाहते हैं कंटेंट लिख सकते हो Comma, size is साइज इज comma और यहाँ पर इसका जो cost दिया हुआ है यहाँ से कॉस्ट लिख लीजिए fifteen twenty five two zero ब्रैकेट close सेमी कॉलर इंसर्ट इन टू क्लोथ वैल्यूज़ भी लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है वैल्यूज और यहाँ space दीजिए space स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड देन enter वन रिकॉर्ड इंसर्टेड इसकी कॉपी लीजिए और इसके बाद इसमें चेंजेस कर दीजिए वन जीरो टू इट विल बी ट्राउजर टी एक मिनट टी आर ओ यू एस ई आर ट्राउजर एंड साइज इज़ एल देयर आफ्टर इट्स कॉस्ट इज टू जीरो थ्री जीरो जीरो थ्री जीरो एंटर थर्ड रिकॉर्ड वन जीरो थ्री सिंस इट इज प्राइमरी की क्लोथ आइडी सो इट शुड बी यूनिक फॉर ऑल और वहाँ यूनिक है भी आपके रिकॉर्ड जो दिए गए हैं दैट इज़ ऑल यूनिक शर्ट एम है साइज इज एम एंड एट हंड्रेड एट हंड्रेड सिमिलरली कीप ऑन एंट्रिंग ऑल रिकॉर्ड्स अभी बस एक मिनट में हो जाएगा थोड़ा वीडियो लंबी होगी बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्या करना है प्रैक्टिकल में जैसा कि मैं जहाँ पर एग्जामिनर बन के जाता हूँ वहाँ इस तरह से प्रैक्टिकल कराता हूँ जो वो मैं साथ में आपको एक सैम्पल दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ टू बी डन इन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सिमिलरली वी विल गो फॉर एंटरिंग फाइव ठीक है तो ये प्रैक्टिकल कैसे आपको करना है एक बार यहाँ से किए रहेंगे थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइए घर से तो ऑब्वियसली यू विल बी हंड्रेड परसेंट एबल टू सॉल्व द प्रैक्टिकल पेपर ठीक है बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल होने वाला है वाइवा और प्रोजेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आप देंगे दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू ठीक है एंड लास्ट रिकॉर्ड देखिए कितनी जल्दी हो गया रिकॉर्ड यहाँ से कॉपी करने में और जब आप उसे टाइप करते तो इट हैव टेकन लॉन्ग जैकेट हो गया यहाँ पर आप एक्सेल डाल दीजिए आई हैव एक्सेल फोर थाउजेंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सो प्रैक्टिस करके जाइए आप चाहे वाइवा की प्रैक्टिस ना हो अब आप देखना चाहते हो सारा हो गया कि नहीं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है क्लोथ ये देखिए सारा रिकॉर्ड मैंने एंट्री कर दिया ना इसका पार्ट ए आंसर जो है अब क्या करेंगे आप आपको क्या करना है कि ये सारा आंसर शीट में आपको कॉपी करते जाना है आंसर शीट क्रिएट चलिए मान लीजिए कि आपका ये जो है यहाँ पर आंसर शीट है मान लीजिए ये वर्ड वाली फाइल कोई मैं आंसर शीट मान रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखता जाऊंगा इसे ठीक है हेडिंग डाल दिया माई एस्ल कमेंट्स क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर लिखता आंसर नंबर टू राइट right? पहले आपने क्या लिखा ओह एक मिनट यहाँ से एक्चुअली इसे कॉपी करने में ये लेता नहीं है इस तरह से हाँ तो आपको यहाँ से जाना होता है एडिट कॉपी नाउ नाउ यू कैन पेस्ट पेस्ट ये हो गया देन मैं ये आपकी आंसर शीट है खुली हुई है सपोज कीजिए इसमें से मैं लिख रहा हूँ देन मैंने क्या किया ये किया यूज़ एडिट कॉपी मैं ये यहाँ पर लिख दिया यूज़ हो गया देयर आफ्टर मैंने क्या किया था टेबल क्रिएशन किया था तो मैं यहाँ पर ये पूरा टेबल क्रिएशन वाली आ, अपने आंसर शीट में ऐसे लिखता चला जाऊँगा राइट right. ये देखिए मैंने ये लिख दिया थोड़ा सा गैप दे दीजिए लाइक एक कमेंट आपने ये लिखा यहाँ पर मैंने ये कमेंट लिख दिया उसके बाद आपने सारे इंसर्शन किए हैं तो इंसर्शन वाले इंसर्शन वाले जो है वो कॉपी कर लीजिए ये कमेंट सारी मैंने इंसर्ट की है दिस so i have done copy copy ki and uh, pasted ye dekhiye ise aap hata do ye faltu aa rahi isko hata dijiye so this insert command has to be written in your answer sheet जितनी बार आपने insertion किया वो answer sheet में लिख दीजिए ah. I have written इन आंसर शीट ओके इंसर्शन हो गया आफ्टर इंसर्शन आपका जो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है नंबर वन सो आई विल राइट हियर इन माय वर्ड फाइल आंसर या पार्ट वन आई विल राइट यहाँ तक तो हो गया पार्ट वन यहाँ तक आपका टू मार्क्स हो गया था ठीक है यहाँ तक इंसर्ट तक जितना भी आपने किया ये टू मार्क्स हो गए क्रिएशन ऑफ टेबल एंड इंसर्शन इसको मैं कर देता हूँ बोल्ट चलिए पार्ट वन में क्या है क्वेश्चन लेट एस सी द्वेश्चन एड ए न्यू कॉलम परचेज क्वानिटी एज ये तो मेरा डाटा फ्रेम का था यहाँ जो राइट कमांड ऑफ टेबल क्रिएशन इंसर्शन हो गया ए पार्ट इज डन वो पार्ट ए आपने किया है यहाँ पर ये वाला पार्ट ए ही था दिस वॉज पार्ट ए यू कैन सेयर यू कैन राइट पार्ट ए डन पार्ट ए वाली ये कमांड्स आपने कर लिया मान लीजिए अब मैं जा रहा हूँ पार्ट बी करने के लिए पार्ट बी ये हो गई पार्ट बी को मैंने कर दिया रेड देन पार्ट बी में हमें पूछता क्या है यू कैन सी हियर डिस्प्ले एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच साइज हर साइज का एवरेज कॉस्ट निकालना है हर साइज का एवरेज कॉस्ट सॉरी यहां देखिए आपका जो है ये टेबल है ईच साइज यानी एल का एक्सेल का एम का जीरो का सबका एवरेज कॉस्ट निकालना है तो मैं इसमें ईच साइज कह रहा है इसलिए ग्रुप बाई लगाओ सो आई विल राइट द सेलेक्ट अच्छा जिस पर ग्रुप लगाते हो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लो साइज और एवरेज कॉस्ट के लिए ए बी जी ऑफ टोटल कॉस्ट ए बी जी ऑफ टोटल कॉस्ट टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट ये हो गया फ्रॉम टेबल नेम टेबल नेम इज क्लोथ एंड इसमें आप क्या कर देंगे ग्रुप बाय लगा देंगे ग्रुप बाय ईच ईच साइज कह रहा तो ग्रुप बाय साइज अच्छा जिस पर ग्रुप बनाओ उसको आप सेलेक्ट में जरूर डाल दो जिससे कैटेगरी का पता चल सके कि एल ग्रुप का एवरेज ये है एक्सेल का ये है जीरो का ये है एम का ये मैंने ये क्लिक के देखे जीरो का ये है एल का ये है एम का ये है और एक्सएल का ये है. अगर आप ये ना डालते तो सिंपली ओनली इट वॉज डिफिकल्ट आइडेंटिफाई तो अब आपको क्या करना है यहाँ से यहाँ से आप ये सारा कॉपी मार लेता हूँ मैं अपने आंसर शीट में मैं लिख लूंगा यहाँ पर तो मैं कॉपी कर रहा हूँ मैं आंसर शीट में लिखूंगा बेटा रिमेंबर ठीक है तो आई मैंने क्या किया आप क्रॉपिंग करके भी लगा सकते हो इस तरह से इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा आपको ठीक है आउटपुट एजिक जैग हो जाता है इसमें थोड़ा थोड़ा डैश और लगा दूंगा तो ये इस कॉर्नर पर आ जाएगा यहाँ पर मैंने कर दिया ये वाला इस कॉर्नर पर आ गया लाइक दिस इसका भी अलाइनमेंट मैंने यहाँ कर दिया इसका अलाइनमेंट यहाँ कर दिया अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट उसका क्रॉप करके लगा सकते है. यहाँ तो आपको स्क्रीन लगाना नहीं है क्रॉप करके दिस यू हैव टू ड्रॉ इन योर आंसर शीट सो टेबुलर फॉर्म ड्रॉ कर देना कमांड आप किए आ गई यहाँ से माई स्के हटा सकते हैं माई स्के तो ऑलरेडी वहां लिखा हुआ आता है इसकी जरूरत नहीं है आपकी ये कमांड हो गई नीचे आउटपुट हो गया बिकॉज इट वॉज सेलेक्ट कमांड इसलिए हमने इसका ये कर दिया सिमिलरली पार्ट सी अब आप देख सकते हैं पार्ट सी ऐसे करेंगे आप पार्ट सी मैं पूरा इसलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ ये पेपर सो दैट यू कैन हैव आइडिया हाउ टू डू इट अब क्या करना है वॉट इज नेक्स्ट क्वेश्चन लेटेस्ट फाइंड आउट की क्वेश्चन क्या है सी पार्ट है डिस्प्ले क्लोथ नेम टोटल कॉस्ट एंड डिस्काउंट एज फिफ्टीन परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लोथ नेम क्लोथ नेम की डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है फील्ड क्या डिस्प्ले करनी क्लोथ नेम टोटल कॉस्ट डिस्काउंट कोई कॉस्ट कोई कॉलम नहीं है वो फिफ्टीन परसेंट टोटल कॉस्ट का कैलकुलेट करके देना है सो आई विल राइट द कमांड क्लोथ नेम सेलेक्ट क्लोथ नेम कॉमा टोटल कॉस्ट इट वाज टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट कॉमा अब डिस्काउंट होगा किसका टोटल कॉस्ट का टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट और इसको आप एंटर करके आ जाओ एज डिस्काउंट फ्रॉम टेबल नेम क्लोथ ऑर्डर बाय आप शॉर्टिंग करने के लिए लगाते हो ऑर्डर बाय क्लॉज ऑर्डर बाय किस पर करोगे क्लोथ नेम पर किस ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में ई एस सी प्रेस किया दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द कमांड इसको भी मैं अपनी आंसर शीट में एज इट इज लिख लूंगा आउटपुट अलग क्योंकि ये सेलेक्ट कमांड है इसलिए हमने आपको बताया कि सेलेक्ट कमांड का हमें वहां पर आउटपुट भी देना है और सॉरी ओ वहां से कॉपी नहीं हुआ कॉपी हमें दूसरे तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया था ऑल दो इट टू बी कॉपीड इन डिफरेंट वे यहाँ से आपका कॉपी होता है एडिट में जाके कॉपी पर क्लिक करके या सेलेक्ट करके एंटर भी प्रेस कर दोगे देन ऑल्सो कॉपी हो जाएगा ये देखिए ये सारा रिजल्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया ये टेबुलर फॉर्म जो है आप इसे अरेंज कर लीजिएगा ठीक है आप इसे अरेंज कर लेना कमांड मैंने सॉरी कमांड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी आप ये कमेंट वहाँ से भी कर सकते हो ये पूरा एक एक लाइन में भी आ सकती है ऐसे भी आ सकती है इसे आप अलाइन कर लेना ठीक ठीक से अलाइन क्या करना है आपको आपको तो आंसर शीट में लिखना है सो एन अदर कमेंट पार्ट डी आपको करना है पार्ट डी यहाँ से देखिए पार्ट डी क्या कह रहा है क्वेश्चन डिस्प्ले हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच साइज एल एंड एक्सेल एल और एक्सएल का लाना है पहले हमने सभी साइजेस का लाया था अभी एल और एक्सएल का लाना है तो सभी साइजेस पर ग्रुप बना करके एल और एक्सएल के लिए आपको हैविंग क्लॉज लगा लेना है हाईएस्ट के लिए मैक्स uh, फंक्शन और लोएस्ट के लिए मिन फंक्शन साइज पर ग्रुपिंग है में ये कंडीशंस हैं तो अस डू इट देखिए सेलेक्ट साइज पर आप ग्रुप बना रहे हैं तो साइज को जरूर सेलेक्ट कर दो मैक्स ऑफ टोटल कॉस्ट मैक्स ऑफ टोटल कॉस्ट कॉमा यहाँ टोटल का टी कैपिटल स्मॉल से हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा देन मिन ऑफ टोटल कॉस्ट ठीक है नेक्स्ट लाइन पर मैं आ जाता हूँ यहाँ ग्रुप बाई लगा देता हूं नहीं पहले फ्रॉम लगाइए फ्रॉम क्लोस इज मस्ट फ्रॉम क्लोथ देन ग्रुप बाय ग्रुप बाय साइज देयर आफ्टर हैविंग साइज इक्वल टू एल और साइज इक्वल टू एक्सएल एंड सेमिकोर तो ये देखिए एल का मैक्सिमम ये है मिनिमम ये है एक्सेल का मैक्सिमम ये है मिनिमम ये है तो ये सारा मैं फिर से अपनी आंसर शीट में लिख रहा हूँ आंसर शीट में कैसे लिखते हैं आप तो मैन्युअली लिखेंगे पेन का यूज करके मेरी आंसर शीट जो है यहाँ पर वर्ड फाइल है इसलिए उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो लेट मी कॉपी पेस्ट हियर इन पार्ट डी ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ठीक है दिस इज व्हाट आई हैव कॉपीड एंड पेस्टेड द कमेंट माई स्केल मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसे मैंने रिमूव कर दिया आप चाहे तो इस कमेंट को यहाँ ले सकते हो इतना पोर्शन एक्चुअली दिस इज दिस इज यू हैव टू राइट इन आंसर शीट सो नथिंग स्पेशल इसका अलाइनमेंट यहाँ करना किया जा सकता है दैट आई विल डू एंड दिस सॉल्यूशन आई विल अटैच विद दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली अटैच दिस सोल्यूशन फ्रॉम देयर यू कैन सी और इसकी वर्किंग कैसे हो रही है इसे आप वीडियो से देख लेंगे आपको अच्छी तरह से यू विल बी एबल टू सॉल्व आउट योर प्रैक्टिकल पेपर एंड विल गेट 100% मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम रेस्ट विल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट फाइल 55 मार्क्स ईच एंड वाइवा वाइवा आपका अच्छा होना चाहिए नाउ सबट्रैक्ट 15% डिस्काउंट फ्रॉम टोटल कॉस्ट एंड डिस्प्ले क्लोथ नेम एंड इट्स नेट कॉस्ट वेन नेट कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस डिस्काउंट देखिए इसका पंद्रह परसेंट डिस्काउंट निकालिए पंद्रह परसेंट क्या करना है टोटल कॉस्ट में से माइनस करके नेट कॉस्ट निकालनी है और नेट कॉस्ट तो हमारे पास यहाँ पर कुछ है नहीं तो क्या करोगे आप आप इसके लिए दिखा दीजिए सब करके उसमें से दस परसेंट देखिए कैसे करेंगे इसको ये भी डिस्प्ले करने वाला ही है तो मैं डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूँ क्या करना है सेलेक्ट क्लोथ नेम कॉमा टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट अब मान लीजिए इसमें नेट कॉस्ट नाम का कोई कॉलम होता तो उसमें मैं अपडेट कर सकता था अभी केवल हम शो करेंगे टोटल कॉस्ट एंड देन टोटल कॉस्ट में से माइनस करना है अपने को क्या टोटल कॉस्ट का फिफ्टीन परसेंट सो टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट वन फाइव ये क्या हो गया माइनस कर दिया जीरो पॉइंट वन फाइव फिफ्टीन परसेंट ठीक है एज ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट कॉलम एस हो जाएगा नेट कॉस्ट नेट कॉस्ट आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में से आप अगर डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो वो हमारी टोटल पेमेंट करने वाली नेट कॉस्ट होती है फ्रॉम क्लोथ यही है क्वेश्चन देखिए जरा सबट्रैक्ट दिस 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 हाँ ठीक है टोटल कास्ट एंड डिस्प्ले क्लोथनेम एंड इट्स नेट कॉस्ट ऑल्सो तो क्लोथनेम और नेट कॉस्ट डिस्प्ले करना है वो मैं कर रहा हूँ क्लोथनेम इन्होंने कहा है कि क्लोथनेम और नेट कॉस्ट डिस्प्ले करो तो टोटल कॉस्ट आप नहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हटा दीजिए यहाँ से मैं टोटल कॉस्ट हटा देता हूँ ठीक है अभी तो मैं इंटरप्रेस करके आ चुका हूँ यहाँ से आप चाहें तो टोटल कॉस्ट हटा सकते हैं So, let it come. अभी तो आने दीजिए मैं इसका फिर से आपको ये देखिए आ गया टोटल कॉस्ट भी आ रहा है नेट कॉस्ट भी आ रहा है तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका टोटल कॉस्ट यहाँ नहीं होना चाहिए तो मैं इस बार इसे रिपीट करके यहाँ से हटा देता हूँ नेट कॉस्ट नेट कॉस्ट आपकी तो आ जाएगी ठीक है ओनली नेट कॉस्ट विल अपीयर नो इश्यूज एज नेट कॉस्ट ये देखिए टोटल क्लोथ नेम एंड नेट कॉस्ट हैज़ बीन डिस्प्लेड ओवर हियर इसको मैं अपनी आंसर शीट में कॉपी कर लूँगा एज इट इज सॉरी यहाँ से कॉपी नहीं होगा कंट्रोल सी से कॉपी नहीं होगा आपको यहाँ से करना है ठीक है यहाँ से एडिट में जा करके के मैंने कॉपी किया और इसे वर्ड फाइल में अपने ले जा करके के मैं पेस्ट कर रहा हूं इन प्लेस ऑफ जी इसको मैंने पेस्ट कर दिया It was part E, I think. ये मेरा था part E. Part E यहाँ पर ले देता हूँ और ये मैं remove कर देता हूँ क्योंकि it is not to be written in the answer sheet. ये माई एस क्यूएल में ये ऑटोमेटिक लिख करके आता है ठीक है और ये आपका आउटपुट इसका नीचे आ रहा है यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं आउटपुट यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं कमांड ये ठीक है अब आपका आता है नेक्स्ट पार्ट आई थिंक पार्ट एफ होगा वेदर इट इज़ देयर और नॉट लेट अस फाइंड आउट इन द पेपर पेपर में देख लीजिए यहाँ से यस डिस्प्ले क्लोथ नेम साइज एंड राउंड ऑफ टोटल कॉस्ट अपॉन थ्री अप टू टू डेसिमल प्लेसेस तो क्लोथ नेम डिस्प्ले करना है साइज डिस्प्ले करना है टोटल कॉस्ट को अपॉन थ्री करके उसको राउंड अप करना है टू डेसिमल प्लेस तक देखिए इसकी कमेंट देखिए सो आई एम राइटिंग हियर सेलेक्ट क्लोथ नेम कॉमा साइज कॉमा और क्या करना है आपको टोटल uh, कॉस्ट को राउंड अप करना है पहले राउंड फंक्शन लगा लीजिए किसको करना है टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट डिवाइडेड बाय थ्री को टू डेसिमल प्लेस तक तो ये राउंड फंक्शन लग गया ठीक है और फ्रॉम टेबल नेम दैट्स इट फ्रॉम क्लोथ एंटर सी ये आपका आंसर आ गया अप टू डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर यहाँ पर वन सिक्सटी राउंड में आ गया ए, इसका मतलब ये पॉइंट में नहीं आ रहा था थ्री से डिवाइड करने के बाद सो स्टिल इट इज गिविंग 160 नो no इश्यूज तो आप इसको जो है कॉपी कर लीजिए दिस वाज द क्वेश्चन बीइंग आस्ट ये क्वेश्चन था आपका लास्ट एस का तो इसे भी मैंने अपने आंसर शीट में क्या किया कॉपी कर लिया आई हैव कॉपीड इट ओहो पार्ट हो चुका तो पार्ट एफ है ये चलिए यहाँ से मैं फिर से मुझे यहाँ से कॉपी लेना पड़ेगा कॉपी करने का मेथड यहाँ पर आई यूज टू प्रेस शॉर्टकट की कंट्रोल सी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर इन एस्क्यूल इस तरह से आपको करना पड़ेगा ये कलर चेंज कर लीजिए लेट द कलर बी ब्लैक ठीक है और ये हो गया है बोल्ड इसको आप हाँ नॉर्मल कर दीजिए यहाँ से ये माई सिंबल सिम्बल हटा दो और यहाँ पर थोड़ा आउटपुट में गैप डाल दो यहाँ पर ऐसे हेडिंग भी डाल सकते हो क्या इसका जो आउटपुट है ये आया अगर यहाँ पर आ, क्या होता कोई कमांड होती अपडेट ऑल्टर डिलीट तो यहाँ पर मैं आउटपुट नहीं देता फिर देन आउटपुट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल ऐसे आप आउटपुट डाल सकते हैं इसका इसे भी मैं अभी रेड कलर में कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस पेपर अब uh, समझ में आ गया होगा ये देखिए पूरा मैंने ये आपकी आंसर शीट है सपोज कीजिए एस में मैं आंसर टू पूरा अपना आंसर शीट में लिखूंगा एस का पूरा पोर्शन कंप्लीट और ये वाले का जो पिछला पोर्शन है पाइथन का ये सारा मैं आउटपुट निकालूंगा आई मीन प्रिंट आउट निकालूंगा अपने प्रिंटर से थ्रू टीचर आई विल टेक आउट द प्रिंट आउट एंड विल पेस्ट इसके साथ टीचर कहता है आउटपुट देने के लिए तो आउटपुट दे सकते हैं अगर टीचर कहता है इसका आउटपुट देने की ज़रूरत नहीं है तो नो नीड ठीक है फॉर प्रिंटिंग पर्पज सो दैट्स इट अबाउट दिस पेपर थोड़ा वीडियो की लेंथ हो गई ज़्यादा स्टिल नो इश्यूज़ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से वी हैव सॉल्व द प्रैक्टिकल पेपर और उसके बाद आप देखिए इसमें ये फाइव मार्क्स आपका प्रैक्टिकल फाइल के लिए है ये फाइव मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के लिए है वायबा वो जो है फाइव मार्क्स है काफ़ी कुछ वाइवा पर डिपेंड करता है इफ़ यू गि बेटर वायबा यू तो ज़्यादातर प्रॉबीबलिटी बन जाती है आपके अच्छे मार्क्स पाने की So, try to give better viva and these uh, formalities, practical file and project work must be completed. Out of project work, uh, number of questions can be put up by the external examiner. Out of practical file, whatever you have done, you must know everything, whatever practical you have done. So, out of that, also number of questions can be put by the external examiner. So, overall, what is your performance uh, in doing practical on computer on your PC, as well as how you have completed the answer sheet? As well as how you have developed your practical file and project work, uh, who are your team members, how data is analyzed and visualized in the project work, all these things will, I mean, uh, go, I mean, uh, ये सारी चीजें मिला करके आपको 30 मार्क्स में से अवार्ड किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का मैं करता हूँ समापन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है शेयर करना है बच्चों के साथ सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड हाउ टू अपीयर इन बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो एक्सटर्नल के सामने अपियर होना थोड़ा सा फोबिया होता है वो आपका हेजिटेशन uh, और फोबिया कम हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स पाने की उम्मीद बन जाती है तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो कीप ऑन वॉचिंग इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब द चैनल Share and like it maximum at the most. Thank you very much for watching. Thank you so much.